निम्नलिखित को आर्य जनरल स्टोर्स के जनरल में प्रविष्ट कीजिए। राम को 20,000 रुपए का माल बेचा, 5% विक्रय कर लगाया। दूसरा, मोहन को 10,000 रुपए लागत मूल्य का माल 30% लाभ पर बेचा, जिस पर 10% का व्यापारिक बट्टा दिया तथा 5% केंद्रीय कर लगाया गया। रोहन को 30,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा और 5% केंद्रीय बिक्री कर लगाया तथा 300 रुपए गाड़ी भाड़ा दिया, जो उनसे नहीं लेना है। चौथा, कमल को 20,000 रुपए लागत का माल 25% लाभ पर बेचा, जिस पर 10% व्यापारिक बट्टा दिया और 5% केंद्रीय बिक्री कर लगाया तथा गाड़ी भाड़ा के चुकाए, जिसे ग्राहक से लेना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहली प्रविष्टि में राम को 20,000 रुपए का माल बेचा है और इस पर विक्रय कर 5% लगाना है। इस कंडीशन में यह हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और क्योंकि इस पर विक्रय कर लगाना है तो टू सेल्स अकाउंट, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर जो विक्रय की राशि होगी, क्योंकि 20,000 रुपए विक्रय राशि है और इस पर 5% विक्रय कर लगाना है, तो पहले हम 20,000 पर 5% विक्रय कर निकाल लेंगे, जो कि 1,000 रुपए आएगा। अब यहाँ पर टू सेल्स में क्रेडिट साइड में हम विक्रय की अमाउंट 20,000 लिखेंगे और टू सेल्स टैक्स में हम सेल टैक्स की जो अमाउंट है, विक्रय कर की जो अमाउंट है, 1,000 लिखेंगे, और टोटल जो हमको राम को पे करना है 21,000, वो हम राम के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। और हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, गुड सोल्ड टू राम। सेकंड एंट्री में हम यहाँ पर देख रहे हैं, मोहन को 10,000 रुपए लागत का माल 30% लाभ पर बेचा है, और इसी पर हमको दो चीजें और करनी है कि एक तो हमको 10% व्यापारिक बट्टा इसने दिया है, इसकी एंट्री करनी है, और साथ में हमको 5% यहाँ पर केंद्रीय बिक्री कर भी लगाना है। तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10,000 रुपए मूल्य का माल है, और इस 10,000 रुपए में अगर हम प्रॉफिट, हमको क्योंकि डिस्काउंट लगाने के लिए हमको प्रॉफिट इसमें ऐड कर देना होगा, तो इस 10,000 का हम 30% प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 3,000 आएगा, और 3,000 को हम इस 10,000 में ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारी जो सेल हो जाएगी वो 13,000 की हो जाएगी। अब इस पर हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पर हम 13,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 1,300 आएगा, और इस 1,300 को हम 13,000, जो कि सेल के अमाउंट है, उसमें से माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल अमाउंट हमको जो पेबल आ जाएगी वो हो जाएगी 11,700। अब इस 11,700 पर हमको सेल टैक्स कैलकुलेट करना है, नेट अमाउंट जो मिलती है सेल्स के, उस पर हम सेल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सेल टैक्स की जो अमाउंट है वो है 5%, तो इस 11,700 पे 5% हम सेल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 585। अब यहाँ पर क्योंकि हमने माल बेचा है मोहन को, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू सेल टैक्स अकाउंट। तो सेल हमने देखा कि 11,700 की हुई है, और इस पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया है, सेल टैक्स आया है 585। तो टोटल अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो मोहन को जो पेबल, मोहन की जो अमाउंट आ जाती है वो आ जाती है 12,285। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रोहन को 30,000 रुपए का माल बेचा गया है, इस पर 10% व्यापारिक बट्टा है और 5% केंद्रीय बिक्री कर लगाया गया है। साथ में इसमें 300 रुपए गाड़ी भाड़े के दिया गया है, जो कि नहीं लिया जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर अभी कैलकुलेशन में यहाँ पे कहीं शामिल नहीं करेंगे, अलग से हम उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोहन को जो माल बेचा गया है 30,000 को, उस पर 10% क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम यहाँ पर पहले अलग कर लेंगे। 30,000 का 10% कैलकुलेट किए हम, 3,000 आता है, 30,000 में से 3,000 हम माइनस कर देते हैं, तो 27,000 हमको मिलता है। और अब क्योंकि हमको इस पे टैक्स लगाना है, तो इस 27,000 पर हम 5% टैक्स लगा देंगे, जो कि आएगा 1,350, और ये जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगी 28,350। तो यहाँ पर सेल टू सेल की जो अमाउंट है वो 27,000 हो जाएगी, सेल टैक्स की अमाउंट 1,350 हो जाएगी, और टोटल जो रोहन
को प्राप्त जो राशि होगी वो 28,350 हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि गाड़ी भाड़ा दिया जो उनसे नहीं लेना है, इसका मतलब हुआ कि ये जो गाड़ी भाड़ा की जो राशि है वो सेल में इंक्लूड नहीं होगी, विक्रय में शामिल नहीं होगी, इसलिए हमने इसको विक्रय से अलग कर दिया और इसकी अलग पोस्टिंग हम करेंगे, अलग एंट्री करेंगे। तो अब इसकी एंट्री हो जाएगी कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, गाड़ी भाड़ा खाता डेबिट रोकड़ खाता से, और नरेशन हम लिखेंगे कैरेज पेड गाड़ी भाड़ा दिया, 300 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोमल को 20,000 रुपए की लागत का माल 25% लाभ पर बेचा है, यहाँ पर भी 10% बट्टा है जो कि व्यापारिक बट्टा है, और उसके बाद हमको 5% यहाँ पर केंद्रीय बिक्री कर भी लगाना है। तो सबसे पहले हम इस 20,000 रुपए में जो प्रॉफिट है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो 20,000 जो है उसमें 25% प्रॉफिट है, 20,000 का 25% हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5,000 आएगा, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट है इसलिए ऐड हो जाएगा। तो ये 20,000 प्लस 5,000 प्रॉफिट 25,000 हो जाएगा। और अब इस अमाउंट पे हमको ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है, तो इस अमाउंट पर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, -2,500 कर लेंगे, और ये हो जाएगा 22,500। अब इस 22,500 पर हम सेल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जनरल एंट्री होगी हमारी वो हो जाएगी कमल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कमल जो है वो पाने वाला है, कमल को हमने माल बेचा है, तो कमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल टैक्स अकाउंट। और क्योंकि गाड़ी भाड़ा के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि जिसे ग्राहक से लेना है, ग्राहक से ही लेना है इसको, तो इसकी जो अमाउंट है वो सेल में इंक्लूड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। यहाँ पर क्योंकि कैरेज आउटवर्ड की एंट्री अमाउंट दी हुई है 200, तो उस 200 को इसमें लिखेंगे। सेल टैक्स हमने कैलकुलेट किया 22,500 पर 5%, तो 1,125 आया, ये अमाउंट हम सेल टैक्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और सेल की अमाउंट हमने देखी थी कि जब हमने 10% माइनस कर दिया था तो 22,500 इसकी अमाउंट आ गई थी, तो टोटल जो है 23,825 जो है वो कोमल के हिस्से में डेबिट साइड में आ जाएगी। निम्नलिखित समायोजन के आधार पर 31 मार्च 2016 को जनरल प्रविष्टि दीजिए। वर्ष के अंत में स्कंध 20,000 रुपये, प्रबंधकीय स्टाफ का अदत्त वेतन 7,500 रुपये, गत वर्ष का किराया चुकाया 2,000 रुपये, 5,000 रुपये के फर्नीचर पर 10% मूल्यह्रास लगाया, 1,00,000 रुपये की पूंजी पर 10% ब्याज दिया, आहरण पर ब्याज लगाया 1,000 रुपये, एक ग्राहक को 200 रुपये रिफ्रेशमेंट के लिए दिए, भूमिपति का किराया अदत्त 500 रुपये, अप्राप्त किराया 5,000 रुपये। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहली हमारी जो एंट्री है वो है स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000, 20,000 का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है वर्ष के अंत में। तो क्योंकि ये एक हमारे व्यापार की का बचा हुआ स्टॉक है, व्यापार खाते में हम इसकी एंट्री करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसकी एंट्री करते हैं, और क्योंकि स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग द क्लोजिंग स्टॉक ब्रॉट इनटू अकाउंट। 20,000 का जो स्टॉक है वो बचा है हमारे पास। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है कि सैलरी ड्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी अनपेड है अभी तक, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी क्योंकि सैलरी की अमाउंट ड्यू है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बीइंग द सैलरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। 7,500 की सैलरी ड्यू है, 7,500 से हम इसकी एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट एक प्रीपेड रेंट है, तो क्योंकि प्रीपेड रेंट रेंट में से ही माइनस होगा, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग द रेंट पेड इन एडवांस, 2,000 से इसकी एंट्री होगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि फर्नीचर एक 5,000 का है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो केवल डेप्रिसिएशन की एंट्री हमको यहाँ पर करनी है,
और ये जो डेप्रिसिएशन है एक प्रकार का लॉस है हमारे लिए, हम तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और किस पर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है, तो इससे हमारी जनरल एंट्री यहाँ हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बीइंग द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। अब इसकी अमाउंट हम देखेंगे कि 5,000 का फर्नीचर था और 10% डेप्रिसिएशन इस पे लगाना है, तो 5,000 का 10% यानी कि 500 इस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू है, यहाँ पर देना है कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल पर, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग द इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, और 10,000 की अमाउंट है क्योंकि 1 लाख की कैपिटल है और उस पर अगर हम 10% इंटरेस्ट देते हैं तो 1 लाख का 10% 10,000 यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक ड्रॉइंग है, एक निजी व्यय आहरण है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है जिसकी अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे दी गई है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 1,000 से बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद जो एंट्री है वो है पेड 200 फॉर रिफ्रेशमेंट फॉर अ कस्टमर, एक कस्टमर को दिया गया है रिफ्रेशमेंट के लिए, तो कुल मिलाकर ये एक प्रकार का व्यय है। इसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में इस तरह के छोटे मोटे व्यय को हम शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ इनकर्ड ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर अ कस्टमर, 200 से इसकी एंट्री होगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं 8th पॉइंट में रेंट ड्यू है एक लैंडलॉर्ड का, तो क्योंकि ये ड्यू है अनपेड है अभी तक, तो ये रेंट में से ही अनपेड है, रेंट में से ही ये माइनस होगा, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पर बीइंग द आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यूरिंग द ईयर 500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू है रिसीव नहीं हुआ है, अप्राप्त है, अप्राप्त ब्याज है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, और अमाउंट क्योंकि कैलकुलेट करके दे दी गई है 5,000 से, तो 5,000 से ही हम इसकी एंट्री करेंगे। मुद्रित के निम्नलिखित लेन देनों के आधार पर पंजी प्रविष्टि कीजिए। 2016 1 जनवरी 1,75,000 रुपये से एवं 1 लाख के भवन से व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा 2 जनवरी नगद माल खरीदा 75,000 रुपये से। 3 जनवरी रमेश को माल बेचा 30,000 रुपये से। 4 जनवरी मजदूरी का भुगतान किया 500 रुपये से। 6 जनवरी नगद माल बेचा 10,000 रुपये से। 10 जनवरी व्यापार व्यय का भुगतान किया 700 रुपये से। 12 जनवरी रमेश से नगद प्राप्त किए 29,500 बट्टा दिया 500। 14 जनवरी सुधीर से माल खरीदा 27,000। 18 जनवरी माल की ढुलाई दी 1,000। 20 जनवरी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली 5,000। 22 जनवरी घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली 2,000। 25 जनवरी सुधीर को भुगतान किया 26,700 और बट्टा दिया 300। यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि व्यापार प्रारंभ किया गया है रोकड़ और भवन यानी कि एक प्रकार की संपत्ति से, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश एंड बिल्डिंग। 1,75,000 की कैश है जो कि डेबिट साइड में आ जाएगी, और 1 लाख की बिल्डिंग है वो भी डेबिट साइड में आ जाएगी, और टोटल टू कैपिटल 2,75,000 आ जाएगा। सेकेंड एंट्री हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुड्स परचेस फॉर कैश नगद माल खरीदा गया है, तो क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया गया है नगद माल खरीदा गया है, तो यहाँ पर क्योंकि जब भी हम माल खरीदते हैं चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे माल हमारे पास आता है, और जब भी माल हमारे पास आता है हम परचेस अकाउंट या गुड्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, तो और क्योंकि नगद हमने खरीदा है तो यहाँ पर कैश हमारे पास से जा रही है, और अगर जब भी कैश हमारे पास से जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश 75,000 से। थर्ड एंट्री हम देख रहे हैं रमेश को माल बेचा, सोल गुड्स टू रमेश, 30,000 का माल हमने यहाँ पर बेचा है। अब क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का नाम दिया गया है
और नगद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, नगद के बारे में किसी प्रकार की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो सेल है ये क्रेडिट सेल है, उधार विक्रय है। और ऐसी दशा में क्योंकि पैसा तो हमारे पास आएगा नहीं, तो यहाँ पर जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी रमेश डेबिट, रमेश क्योंकि पाने वाला है उसको हमने माल बेचा है, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू रमेश, और 30,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मजदूरी का भुगतान किया गया है, पेड वेजेस, तो क्योंकि एक प्रकार का व्यय है, अवास्तविक खाते के अंतर्गत आता है और सभी प्रकार के व्यय और हानियां जो होती हैं उनको डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वेजेस अकाउंट को डेबिट किया है। और टू कैश, और जब भी हम कोई एक्सपेंस करेंगे तो वहां पर हमारी कैश हमारे पास से जाएगी, और जब भी हमारे पास से कैश जाएगी हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग वेजेस पेड इन कैश रुपीज 500 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। 6 जनवरी को हम देख रहे हैं कि गुड सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि सेल किया गया है गुड्स और कैश सेल है ये, तो जब भी हम कैश सेल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैश आएगी, और कैश अगर आती है तो डेबिट होती है, और जब भी हम सेल करेंगे तो गुड्स जो है वो हमारे पास से जाता है, इसलिए सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और 10,000 से इसकी एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। 10 जनवरी को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रेड एक्सपेंस पे किया गया है कैश में, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जब भी वो पे किए जाते हैं तो हमेशा वो डेबिट साइड में आते हैं, और क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं कोई कैश पे करते हैं तो कैश हमारे पास से जाती है, और जब भी कैश जाती है वो क्रेडिट होती है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड इन कैश 700 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड हिम, हम रमेश से कैश प्राप्त कर रहे हैं और उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, बट्टा हम उसको दे रहे हैं। हमको विशेष रूप से जब बट्टे वाला प्रश्न आता है तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वहां पर बट्टा हमको प्राप्त हो रहा है कि बट्टा हम उसको दे रहे हैं, क्योंकि अगर बट्टा प्राप्त हो रहा है तो वो प्राप्ति है हमारी, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगी, और बट्टा अगर हम दे रहे हैं तो वो व्यय है हमारा, इसलिए वो डेबिट साइड में आएगा। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रमेश से पैसा हम प्राप्त कर रहे हैं और बट्टा हम उसको दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम कैश प्राप्त करेंगे रिसीव करेंगे तो हमारे कैश अकाउंट जो है हमारा वो डेबिट हो जाएगा, बट्टा जब हम उसको देंगे तो बट्टा खाता भी हमारा डेबिट हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और धनराशि हमें प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं पैसे, रमेश से, तो टू रमेश, यानी प्रॉपर हमारे यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो जो फाइनल अमाउंट है वो हमको रमेश के अकाउंट में यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। टोटल अमाउंट जो थी वो 30,000 है और इस पर हमको 500 उसको डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पर 30,000 में से 500 हम माइनस करके 29,500 कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, 500 हम डिस्काउंट के डेबिट में लिखेंगे, और टोटल 30,000 जो है वो रमेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। नेक्स्ट 14 जनवरी को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुड्स परचेस किया है हमने सुधीर से, और बहुत सावधानी से हमको यहाँ पर देखना है कि सुधीर से माल खरीदा सेफ लिखा गया है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना तो स्पष्ट रूप से नगद शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम, और दूसरी बात कि व्यक्ति का नाम दिया है, तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार क्रय है, तो इस आधार पर जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो जब भी हम माल खरीदेंगे चाहे वो नगद हो या उधार हो माल हमारे पास आएगा ही और परचेस अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट। और हमने क्योंकि नगद तो खरीदा नहीं, पैसा तो हमारे पास गया नहीं, हमने अभी यहाँ पर खरीदा है सुधीर से, सुधीर जो है वो हमारा क्रेडिटर बना है, इसलिए क्रेडिट में हम उसकी एंट्री करेंगे टू सुधीर, तो प्रॉपर यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सुधीर ऑन क्रेडिट 27,000। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैश विड्रॉल किया है पर्सनल यूज के लिए,
यहाँ पर जब विड्रॉल वाली बात आती है, ड्रॉइंग वाली बात आती है, तो हमको बहुत सावधानी से देखना है कि कैश विड्रॉल किया गया है कि गुड्स विड्रॉल किया गया है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एंट्री जो है वो चेंज हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कैश विड्रॉल किया गया है पर्सनल यूज के लिए, तो क्योंकि पर्सनल यूज है इसलिए यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैश विड्रॉल किया गया है तो टू कैश, यानी प्रॉपर यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 से, बींग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। 22 जनवरी को अब यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है कि गुड्स जो है वो विड्रॉल किया गया है अपने निजी उपयोग के लिए, फॉर हाउस होल्ड यूज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। यहाँ पर हम तो गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट परचेस अकाउंट लिखने से हम जब परचेस अकाउंट बनाएंगे लेजर में जब पोस्टिंग करेंगे तो हमको ये आसानी होगी ये बात जानने में कि कितनी हमारी जो परचेस की जो क्वांटिटी है, खरीदा गया माल है, उसमें से कितना माल कम हुआ है ये हमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। कितने अमाउंट का माल कम हुआ है ये हमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो प्रॉपर हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बीइंग गुड्स ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड यूज, तो 2000 से इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद 25 जनवरी को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुधीर को हमने पेमेंट किया है और उससे हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री करेंगे क्योंकि सुधीर पाने वाला है, तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो यहाँ हमारी एंट्री जो कैश की होगी वो हो जाएगी, ओवरऑल अगर हम सुधीर का अकाउंट देखते हैं तो यहाँ पर उसको 27,000 हमको पेड करना था, क्योंकि 14 जनवरी को हमने 27,000 का गुड्स उससे परचेस किया था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने हमको कुछ डिस्काउंट दे दिया 300 का, तो अब हम उसको सिर्फ 26,700 ही पे करेंगे। तो यहाँ पर टू कैश में अमाउंट आ जाएगी 26,700, डिस्काउंट में अमाउंट आ जाएगी 300, और टोटल जो सुधीर के अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट आएगी वो हो जाएगी 27,000, और यहाँ हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू सुधीर एंड डिस्काउंट रिसीव। मिसेस महेश कुमार के पुस्तकों में जनरल प्रविष्टिया कीजिए, 2008 जनवरी 1, 20,000 रुपए नगद व 25,000 रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया, 4 जनवरी को बैंक में नगद रुपए जमा किया 10,000 रुपए, 6 जनवरी सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर क्रय किया 12,000 रुपए, 13 जनवरी रमेश से चेक मिला 2,000 रुपए, 15 जनवरी रमेश का चेक बैंक में जमा किया 2,000 रुपए, 18 जनवरी किशोर से माल खरीदा 3,000 रुपए, 20 जनवरी रमेश का चेक बैंक द्वारा अनादृत किया गया 2,000 रुपए, 22 जनवरी हरि को माल बेचा 2,500 रुपए, 25 जनवरी हरि से कुल भुगतान में सिर्फ 2,380 रुपए ही मिले, 30 जनवरी विविध व्यय नगद दिए 500 रुपए और चेक द्वारा दिए 300 रुपए। सबसे पहले यहाँ पर व्यापार प्रारंभ की एंट्री हम करेंगे, 20,000 रुपए नगद और 25,000 रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया गया है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश 20,000 गुड्स 25,000, टोटल 45,000 यहाँ पर एंट्री हो जाएगी हमारी। सेकंड हम यहाँ पर देख रहे हैं बैंक में नगद रुपए जमा किया, जब हम बैंक में नगद धनराशि जमा करते हैं तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक के पास वो राशि जाती है और हमारे पास से कैश जाता है, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाती है बैंक डेबिट टू कैश और 10,000 से एंट्री होगी। 6 जनवरी को यहाँ पर सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर खरीदा, टाइपराइटर एक एसेट्स है और सोहन से हमने इसको परचेस किया है बाय चेक, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ हम टू कैश ना लिख के टू बैंक लिखेंगे क्योंकि टाइपराइटर जो है हमने बाय चेक परचेस किया है, तो 12,000 से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद 13 जनवरी को हम देख रहे हैं कि रमेश से चेक मिला है हमको, अब हमको इस बात को ध्यान रखना है कि जो चेक हमको रमेश से मिला है क्या वो बैंक में सेम डेट को जमा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 जनवरी को सिर्फ रमेश से चेक मिला है, बैंक में जमा की कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो सिर्फ चेक मिला है तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब
15 जनवरी को इस रमेश के चेक को हमको बैंक में जमा करना है। तो जिस तिथि को हमने चेक प्राप्त किया उस तिथि को तो बैंक में जमा नहीं हुआ, बल्कि उसके आगे आने वाली तिथि में वो बैंक में जमा हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 से इसकी एंट्री करेंगे। 18 जनवरी को किशोर से माल खरीदा, परचेज गुड फ्रॉम किशोर, स्पष्ट रूप से नाम दिया गया है, नगद के बारे में किसी प्रकार की कोई एंट्री की जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू किशोर, यानी क्रेडिट परचेस मानेंगे हम इसको, और ये एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू किशोर 3000 से। 20 जनवरी को दिया गया है कि रमेश से जो चेक मिला था अब वो डिसऑनर्ड हो जा रहा है, अनादरित हो जा रहा है। तो क्योंकि जब अनादरण होता है चेक का तो दो कंडीशन हमको ध्यान में रखनी होती है, एक तो क्या वो चेक सिर्फ जारी किया गया चेक था, इशूड चेक था, या फिर वो चेक बैंक में जमा कर दिया गया था, क्योंकि दोनों ही दशाओं में अलग अलग एंट्री होती है। तो क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रमेश का चेक 20 जनवरी को डिसऑनर्ड हो जा रहा है, ये इसके पहले 15 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट किया जा चुका था। तो क्योंकि डिपॉजिट चेक डिसऑनर्ड हो रहा है तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट टू बैंक, यानी ऐसी कंडीशन में जब जमा किया गया चेक अनादरित होता है तो जिस व्यक्ति के नाम से वो चेक था उस व्यक्ति के नाम को हम डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो 2000 से ये एंट्री हो जाएगी। 22 जनवरी को एंट्री दी गई है यहाँ पर, हरी को माल बेचा 2500 का, क्योंकि स्पष्ट रूप से व्यक्ति का नाम दिया गया है और नगद ट्रांजेक्शन के बारे में कोई एंट्री यहाँ पर, कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी हरी, जो कि पानी वाला है, डेबिट, और क्योंकि हम माल बेचेंगे तो गुड्स हमारे पास से जाएगा तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2500 से। हरी को हमने उधार माल बेचा था 22 जनवरी को, और अब 25 जनवरी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि हरी से कुल भुगतान में सिर्फ 2380 रुपए ही मिले। हमने माल बेचा था 2500 का और उससे मिल रहा है हमको 2380। दूसरी बात एक ध्यान रखने योग्य है कि अगर यहाँ पर फुल पेमेंट दिया है, यानी कि अंतिम भुगतान या कुल भुगतान दिया है, तो ये हम मान लेंगे कि जो डिफरेंस की जो अमाउंट है वो डिस्काउंट चली गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2500 जो था वो टोटल अमाउंट थी और केवल हमको 2380 रुपीज ही हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी। तो कैश अकाउंट में आ जाएगा 2380 और डिस्काउंट अकाउंट में आ जाएगा 120 और टू हरी, तो ये 2500 आ जाएगा वहां पर। 30 जनवरी को हम देख रहे हैं कि सन्ड्री एक्सपेंसेस किए हैं, जिसमें से कुछ तो कैश दिए गए हैं और कुछ चेक द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। कैश जो पेमेंट किया गया है 500 वो हम कैश में लिखेंगे और चेक द्वारा जो पेमेंट किया गया है उसको हम बैंक में लिखेंगे। तो टोटल जो अमाउंट है सन्ड्री एक्सपेंस की वो डेबिट साइड में 800 हो जाएगी। निम्नलिखित व्यवहारों को सचिन के पंजीप में लिखिए। 2010 1 जनवरी व्यवसाय खरीदा 1,00,000 रुपए। 3 जनवरी राकेश फर्नीचर मार्ट से 10,000 रुपए में फर्नीचर खरीदा, जिस पर उन्होंने हमारी ओर से भाड़े के 150 रुपए चुकाए। 5 जनवरी लिपिक ने 2,000 रुपए चुरा लिए और अब वह लापता है। 10 जनवरी 500 रुपए का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया गया। 15 जनवरी 2,000 रुपए के ऋणी से ऋण 1 रुपए के बदले 75 पैसे की दर से प्राप्त हुए। 18 जनवरी 1,000 रुपए का माल जलकर नष्ट हो गया। 20 जनवरी मोहन से 1,000 रुपए कमीशन प्राप्त हुआ। 22 जनवरी बैंक ने अनुषांगिक व्यय 80 रुपए लगाए। 23 जनवरी 1,500 रुपए आयकर चुकाया। 25 जनवरी 5,000 रुपए का घोड़ा व 15,000 रुपए की गाड़ी खरीदी। 28 जनवरी घोड़ा मर गया तथा उसके खाल के विक्रय से 500 रुपए प्राप्त हुए। 31 जनवरी आकाश को वेतन दिया 2,000 रुपए। यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि व्यवसाय हमने यहाँ पर खरीदा है, जो मेन पॉइंट है। अभी तक हम जो प्रश्न बना रहे थे वहां पर हम देख रहे थे कि हम खुद एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो वहां हम कैपिटल अकाउंट से हम उसकी एंट्री कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने एक रनिंग बिजनेस जो था उसको हमने परचेस कर लिया है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगा बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
बिंग बिजनेस परचेज 1 लाख से हम इसकी एंट्री करेंगे व्यवसाय क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से। 3 जनवरी को हम देख रहे हैं कि राकेश फर्नीचर मार्ट से 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा गया है और उन्होंने 150 रुपये भाड़े भी हमारी ओर से दिए हैं। मतलब ये जो 150 रुपये भाड़े की जो राशि है ये इसमें ऐड हो जाएगी इसके प्राइस में। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राकेश फर्नीचर मार्ट 15,150 जो अमाउंट है वो इसमें ऐड होकर आएगी। 5 जनवरी को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिपिक जो है क्लर्क जो है उसने 2,000 रुपये चुरा लिए, तो ये एक प्रकार की हानि है। हम देखते हैं कि अवास्तविक खाता के बारे में चाहे कहीं से भी हानि हो, चोरी से हो या आग से जलकर माल नष्ट हुआ हो या अन्य किसी प्रकार की हानि हो, सभी प्रकार की हानियों को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और जिस वस्तु की हानि हुई रहती है, जो वस्तु गई रहती है, अगर कैश गया है तो कैश क्रेडिट करेंगे और कोई वस्तु गई है तो हम वस्तु क्रेडिट करते हैं। डेबिट साइड में जब हम हानि को लिखते हैं तो हम उस हानि का नाम लिखते हैं कि वो हानि किस तरह से हुई है। तो यहाँ पर जो हानि हुई है वो कैश की हुई है और चोरी से हुई है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट चोरी से हानि खाता डेबिट रोकड़ खाता से। 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, लिपिक ने रुपए चुरा लिए। 10 जनवरी की एंट्री होगी 500 रुपये का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया गया। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए कई बार जो विक्रेता होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, वो अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ्री गिफ्ट या नमूने के रूप में स्पेसिमेन के रूप में माल को बांटते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी व्यय होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब ये एक प्रकार का व्यय है, खर्च हुआ है, गया है माल हमारे पास से। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। टू परचेस अकाउंट हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि परचेस किया गया हमारा गुड्स जो था उसी में से हम कुछ गुड्स को स्पेसिमेंट के रूप में बांट दिया है हमने। तो प्रॉपर हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 500 से। नेक्स्ट 15 जनवरी को यहाँ हम देख रहे हैं कि 2000 का एक ऋणी एक डेटर्स था जिससे हमको 2000 रुपीज लेने थे लेकिन 1 रुपए में 75 पैसे की दर से। तो हम देख रहे हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं लेकिन 75 पैसे मिले, तो मतलब ये है कि 75% ही मिला हमको, 25% जो था वो डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, डूबत ऋण हो गया। तो 2000 का 75% मिला हमको, तो हम 2000 का 75% कैलकुलेट कर लेंगे 1500 आएगा, और 2000 माइनस 1500 करेंगे तो हम देखेंगे कि 500 जो है वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे क्योंकि कैश हमको रिसीव हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, तो आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, और बैड डेब्ट जो है, डूबत ऋण जो है वो हमारे लिए लॉस है तो लॉस को भी हम डेबिट करेंगे। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है, डेटर्स के पास से आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कैश अकाउंट जो हमको रिसीव हुआ है 1500 वो हम लिखेंगे, बैड डेब्ट्स जो बन गए हमारे 500 के डूब गए जो पैसे वो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, और टोटल जो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में है वो 2000 आएगा। 18 जनवरी को पॉइंट दिया है 1000 रुपए का माल जलकर नष्ट हो गया, लॉस बाय फायर। अब क्योंकि ये लॉस है तो लॉस है हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्या लॉस हुआ है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गुड्स लॉस हुआ है तो गुड्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, यानी गुड्स की जगह हम यहाँ पर परचेस लिखेंगे, और चाहे तो हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट परचेस अकाउंट लिख सकते हैं। तो प्रॉपर हमारे यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि मोहन से 1000 रुपए कमीशन के प्राप्त हुए। अब क्योंकि कमीशन जो है वो एक प्रकार की आय है, और यहाँ इस कंडीशन में जब अवास्तविक खाते से संबंधित एंट्री हम करते हैं तो यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि वो प्राप्त किस व्यक्ति से हो रहा है या दे किस व्यक्ति को रहे हैं। जैसे रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, इस सब चीजों के बारे में हम ये देखते हैं कि व्यय का नाम क्या है या फिर आय का नाम क्या है। तो इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि आय का नाम है कमीशन, हमको रिसीव क्या हो रहा है, कमीशन। तो यहाँ पर मोहन के नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम ये देखेंगे कि जब कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, कैश आ रही है। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और कैश आ कहाँ से रही है, इनकम का नाम क्या है, कमीशन है। तो यहाँ हमारी प्रॉपर एक जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और नरेशन हम लिख लेंगे रिसीव कमीशन फ्रॉम मोहन।
100 सेमीज की एंट्री करेंगे। फिर 22 जनवरी को हम देख रहे हैं कि बैंक ने व्यय लगाए, बैंक एक्सपेंसेस जो होते हैं, अब वो बैंक अकाउंट जो हमारा रहता है उसमें से ही माइनस हो जाते हैं, हमको अलग से कहीं पे कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता कैश में। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 80 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद 23 जनवरी को एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 1500 आयकर इनकम टैक्स चुकाया गया। अब इनकम टैक्स जो है वो जो स्वामी है व्यापार का उसकी अपनी इनकम पे उसने टैक्स दिया है, वो उसके निजी आय है, निजी आय पर उसने व्यय किया है, खर्च किया है, टैक्स दिया है। तो ये जो अमाउंट आएगी इनकम टैक्स की, ये ड्रॉइंग के अंतर्गत, आहरण के अंतर्गत चले जाती है। तो यहाँ पर हमको एंट्री करनी है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, आहरण खाता डेबिट रोकड़ खाता से 1500। फिर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है 25 जनवरी को, वो है 5000 का एक घोड़ा था, एक हॉर्स इसने खरीदा था और 15000 की एक गाड़ी खरीदी थी। तो इसके लिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, घोड़ा जो है वो जीवित स्कंद है, लाइव स्टॉक है, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। और मोटर व्हीकल जो है वो एक प्रकार की एसेट्स है और एसेट्स को हम डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, मोटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्योंकि जीवित स्कंद घोड़ा जो खरीदा है वो 5000 का है, तो ये लाइव स्टॉक डेबिट में 5000 आ जाएगा, मोटर में 15000 आ जाएगा और टोटल रोकड, टोटल कैश जो हम पे कर रहे हैं वो 20000 आ जाएंगे। 28 जनवरी को ये जो घोड़ा खरीदा गया था वो मर गया और उसके खाल के विक्रय से 500 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अब घोड़ा जो था वो 5000 का था, लाइव स्टॉक है वो 5000 का, हमने परचेस किया था उसको, अब वो मर गया 28 जनवरी को और उसके खाल को अगर बेचे तो सिर्फ 500 ही मिले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीधा सीधा 5000 माइनस 500 यानी कि 4500 को हमको लॉस हो गया। तो यहाँ हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, लॉस फ्रॉम लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट में हम 500 लिखेंगे, वो 500 जो उसके खाल को बेचने से प्राप्त हुआ था, और लॉस जो हमको हुआ है, लॉस फ्रॉम लाइव स्टॉक अकाउंट जो है वो 4500 से डेबिट होगा और लाइव स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा टोटल 5000 से। उसके बाद हम 31 जनवरी को देख रहे हैं कि एक सैलरी हमने पे की है, तो कई बार व्यक्ति का नाम दिया रहता है, जैसे यहाँ पर दिया है आकाश को वेतन चुकाया, तो हम एंट्री करते हैं, कर देते हैं आकाश डेबिट टू कैश। लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अवास्तविक खाते से संबंधित इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, हानि व्यय लाभ आय से संबंधित, तो हमको ये देखना है कि हानि का नाम क्या है, व्यय का नाम क्या है, लाभ का नाम क्या है, आय का नाम क्या है, हमको ये नहीं देखना है यहाँ पर कि किस व्यक्ति को दिया या किस व्यक्ति से मिला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे व्यय का नाम क्या है, एक्सपेंस का नाम क्या है, वेतन सैलरी, तो उसको हम डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी सैलरी देंगे तो कैश जाएगी हमारे पास से, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और नरेशन हम लिख देंगे सैलरी पेड टू आकाश और 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और इस जनरल को हम 149,330 से क्लोज कर देंगे।